हरियाणा में बेखौफ हुए बदमाश। खबर हरियाणा के यमुना नगर से है, जहां शहर के पास इलाके में मॉडल टाउन में शहर के जाने माने प्लाईबोर्ड और होटल इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति के घर दिन दहाड़े बदमाशों ने की फायरिंग और फरार हो गए। घर के गेट पर दो नकाबपोश बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसी फायरिंग के दौरान ड्राइवर के पैर में गोली लगी, जो कि गेट के सामने बैठा था। गोली लगने के बाद ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल का जायजा लिया और घटना की जांच शुरू कर दी। क्या सूचना मिली आपको? घर से 5 मिनट पहले ही निकला मैं घर को होटल के लिए, तो 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया कि ऐसे से कोई बंदे आए हैं और उन्होंने 4-5 फायर करे हैं। तो मैं फटाफट घर के लिए भागा। जब मैं घर पहुंचा तो देखा तो बब्बू ड्राइवर कमरे में बंद था। उसको फिर मैंने आवाज़ लगा के, वो डरा हुआ था इतना, उसको आवाज़ लगा के मैंने खुलवाया। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोला तो उसे देखा उसके टांग में गोली लगी हुई थी, तो उसको फटाफट हॉस्पिटल भेज दिया। उन्होंने जैसे बताया कि दो लड़के आए और उन्होंने 5 फायर करे, जो उन्होंने बताया मेरे बहादुर और ड्राइवर ने, और ड्राइवर के टांग में गोली लगी है, वो अब गाबा हॉस्पिटल में। सीसी कैमरे में भी कुछ कैद हुआ? सीसी कैमरे में भी कैद हुआ है। रंजिश किसी से? कोई रंजिश नहीं है मेरी किसी से। कोई वजह अभी तो पुलिस को भी नहीं पता लग रहा, अभी हम भी कन्फ्यूज हैं, कोई रंजिश नहीं है। जिस समय ये वारदात हुई है घर पे कितने सदस्य थे? घर पे मेरी मदर, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे और तीन और लोग थे, जो बहादुर और जो को क्या घर का। हरियाणा के यमुनानगर में दिन दहाड़े एक प्लाई बोर्ड और होटल इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति के अलीशान बंगले में ताबड़तोड़ फायरिंग से पास इलाके मॉडल टाउन में दहशत फैल गई। लेकिन फायरिंग की वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों में से दो नकाबपोश बदमाशों की फायरिंग करते हुए की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अभी खड़े हैं यहाँ पे, कुछ फायरिंग की घटना हुई है। प्राइमर फैसे ये है कि 5 राउंड फायर हुए हैं और जैसे आप देखा, हमने फुटेज भी देखा, कुछ बदमाश आए हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल पे आए थे और 2-3 बदमाश थे, कुछ और भी उनके साथी भी रह सकते हैं जो आसपास होंगे, ज़रूर ट्रैकिंग करते होंगे। उन्होंने 5 राउंड फायर किए हैं यहाँ पर और मोटिव जानने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सारी तहकीकात करेंगे, किसकी फायरिंग किया, क्या किया, क्या राइवलरी है और क्या हो सकता है। यहाँ पे इनके जो मकान मालिक है उनका ड्राइवर बैठा था यहाँ पे, उसके ड्राइवर के पैसे गोली लगी है, जो कि खतरे से बाहर है और आगे हम कार्रवाई करेंगे। वजह कुछ आई सामने सर आपका? देखिए ये तो अभी हाल फिलहाल का इंसिडेंट है, अभी हम मौका पर हैं, मौका से जाके और बाकी देखेंगे। नाकाबंदी कर दी गई है, सारी जानकारी ले रहे हैं, कुछ जानकारी मैंने ली है अभी, तो उससे देखेंगे किस प्रकार की बात सामने आती है और कार्रवाई करेंगे। कितने हमलावर कितने थे सर? देखिए जो अभी हमने अभी की तहकीकात में तफ्तीश में लगता है कि 4 से 5 आदमी रहे हैं इसमें। जो लोग आए थे दो लोगों ने फायरिंग की है यहाँ पर मोटरसाइकिल रोक के, कुछ लोग जो है वॉच पे भी रहे हैं जैसे सामने गलियों में, तो अभी क्लियर करेंगे सारी बात। कितने राउंड फायर हुए? 5 राउंड फायर हुए फिलहाल, अभी और तफ्तीश कर रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ और भी जानकारी हासिल होती है। सर इरादा क्या था? देखिए इरादा अभी तो जस्ट इंसिडेंट हुआ है, इरादा अभी क्लियर नहीं है।